मुमुक्षु जनों को एकांत का सेवन करना चाहिए। एकांत में रहने से वो दोष से बचे रहते हैं और जो संग करते फिरते हैं वो दोषों से लिप्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर माताओं भाइयों, कहने का आशय ये है, एक गलत दृश्य देखने का परिणाम होता है व्यक्ति अपने पद से गिर जाता है, अपनी तपस्या को खो बैठता है। परंतु आज हमारे युवकों को गलत दृश्य देखने की छूट है, मोबाइल में खूब देखो। सबसे पहले तो टेलीविजन के माध्यम से घर परिवार के बीच में बैठकर आप यदि कोई एक साधारण सा कोई भी कुछ टीवी पर तो समाचार भी सुन रहे हैं तो बीच में ऐसा प्रचार आता है जिसे आप घर परिवार में बैठकर देख नहीं सकते। हाँ, निर्लज्ज है तो बैठकर देखिए, तब तो देख लेंगे, लेकिन थोड़ी सी भी लज्जा यदि बची है तो या तो आप या तो चैनल बदल दोगे या उठकर वहां से कहीं और चले जाओगे। और उसके बाद आ गया मोबाइल महाराज, उसके बाद तो सब सर्वसुलभ। ऐसा चारित्रिक पतन जो केवल विदेशों तक सीमित था, आज भारत में घर घर तक पहुंच गया। हाँ, अब बहनों को कहो कि भाई तुम थोड़ी मर्यादा में, अरे अपनी आंखें ठीक रखो भाई, उनका यही उपदेश होगा, अपनी आंखें ठीक रखो। अच्छा, हम अपनी आंखें ठीक रखें? आप अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे? नहीं 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 नहीं, हम जो चाहें वो खाएं, जो चाहें वो पहने। तो फिर एक काम करो ना, सरकार से ये भी कह दो कि चाहे हम 200 की स्पीड से कार चलाएं या 300 की स्पीड से, तुम्हारा क्या अधिकार है हम पर रोक लगाने का? तब तो पता चले जहां खड़े होंगे ट्रैफिक में पुलिस वाले, तब वहां पर सीट बेल्ट पहनने की आवश्यकता क्या? बिना सीट बेल्ट पहने जाओ। जब भैया सार्वजनिक जीवन में तुम कानून के नियमों का उल्लंघन करने पर दंड के भागी हो सकते हो, तो समाज में सार्वजनिक जीवन में नग्नता का प्रचार करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, तुम निश्चित रूप से दंड के भागी हो। एकांत में तुम चाहे जो करो, एकांत में जो करना है करो, अकेले कमरे में क्या कर रहे हो कौन देखने आता है? अपने एकांतिक जीवन में तुम जो करो कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन समाज को दूषित करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अपनी नजरें ठीक रखो, तुम पहले अपना चरित्र सुधार लो, तुम अपना रहने सहने का ढंग सुधार लो, पहनने का ढंग सीख लो, उसके बाद समाज में लोगों की आंखें भी ठीक हो जाएंगी। तुम स्वयं लोगों की आंख लोगों को भड़काकर, लोगों की वासनाओं को भड़काकर स्वयं चाहती हो कि भैया लोग अपनी आंखें ठीक रखें, ये कैसे संभव है भाई? ये संभव नहीं है। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में ग्रंथों में लिखा है कि किस प्रकार का परिधान पुरुष को और स्त्री को धारण करना चाहिए। अर्धनग्नता अथवा नग्नता का प्रसार करना अपराध है, इसे छूट कहीं नहीं दी गई महाराज। ऐसे ही नग्न होकर स्नान कर रहे थे वो नलकूबर और मणिग्रीव, तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि बहुत नंगे ही रहने का शौक है, तो एक काम करो जाओ नंगे ही रह जाओ, तो अर्जुन के वृक्ष बन गए श्राप से। हाँ, एक समय था जब स्त्री के वस्त्र हरण करने के अपराध में, एक समय था जब स्त्री के वस्त्र खींचने का परिणाम महाभारत, स्त्री के वस्त्र खींचने का परिणाम हो गया महाभारत। आज के समय में है किसी स्त्री को कह दो कि ढंग से वस्त्र पहनो तो महाभारत। तुमने कह कैसे दिया? अपनी आंखें ठीक रखो, अपना मन ठीक रखो। इस हिसाब से तो हम लोगों को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो मन ठीक रहेगा कैसे?
और आंखें ठीक होंगी कैसे, समझ में नहीं आती बात। तो कह रहे हैं, को न कुसंग तिपाई नसाई, कुसंग का परित्याग जीव को करना चाहिए। कुसंग का फल ये होता है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी गिर जाता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति कुसंग पाकर गिर जाता है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, जो लोहा लगा जहाज में पानी में उतर आए। लोहा यदि पानी में डाल दो तो डूब जाएगा, लेकिन यदि जहाज के साथ में वो लोहा अगर लगा है तो वो भैया वो डूबेगा नहीं। उसी प्रकार किसी कुसंगी व्यक्ति का संग यदि कर लोगे तो डूब जाओगे, पर किसी सत्संगी संत का संग करोगे तो डूबोगे नहीं, तर जाओगे, डूबना नहीं पड़ेगा।